नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है और ऐसे में हम घरों में कई ऐसी मिठाइयाँ बनाते हैं जो व्रत और प्रसाद के लिए भगवान को अर्पण करते हैं। आज के इस रेसिपी वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की है फलाहारी लौकी की बर्फी बनाने की पूरी स्टेप बाय स्टेप रेसिपी, जिससे आप अगर एक बिगिनर हैं तो भी आपकी ये बर्फी एकदम परफेक्ट तैयार होगी। ये स्वाद में इतनी शानदार है कि सब आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, एकदम मुंह में घुल जाने वाली बर्फी है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस तरीके की फेस्टिवल स्पेशल रेसिपीज़ को देखने के लिए फेस्टिव फूड रेसिपीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ आने वाली कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो। शुरू करते हैं इसको बनाना। लौकी की बर्फी बनाने के लिए जो सबसे पहला और क्रूशल स्टेप है वो है अच्छी लौकी का सिलेक्शन। जब आप लौकी खरीदने जाएं तो आप ये ज़रूर चेक करें कि लौकी एकदम ताज़ा होनी चाहिए, और उसकी क्या पहचान है, एकदम सॉफ्ट होती है जो ताज़ा लौकी होती है, और जो थोड़े दिन रखने के बाद आपको मिलती है वो थोड़ी सी टाइट हो जाती है। तो टाइट लौकी से भी बर्फी बनाई जा सकती है, लेकिन जो सॉफ्ट वाली लौकी होती है उससे उसका कुकिंग प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है। तो इसीलिए आप लौकी बढ़िया एकदम ताज़ी लाएँ। सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पर लौकी का आपको वज़न नहीं बताया है कि कितने किलो मैंने लौकी ली है। वज़न आपको एक्यूरेट नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अगर लौकी को लेकर आते हैं, कई बार उसमें क्या होता है, मोटा बीज होता है, कई बार उसमें बिल्कुल बीज नहीं होता, तो दोनों ही केस में आप लौकी का वज़न एक्यूरेट नहीं ले सकते। अगर मैंने आपको बोला एक किलो लौकी के हिसाब से आपको इतनी चीनी डालनी है, तो कई बार रेशियो गड़बड़ हो जाता है। तो आपको कैसे बनाना है ये देखिए। सबसे पहले लौकी को अच्छी तरह से वॉश करके उसका छिलका निकाल देंगे। ये देखिए, जैसे मैं निकाल रही हूँ। छिलका निकालने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से कद्दूकस कर लेंगे। तो यहाँ पर कद्दूकस करने के लिए मैंने इस तरीके का ग्रेटर इस्तेमाल किया जो सभी के घरों में होता है, मोटे वाला ग्रेटर है। इससे हम अच्छी तरह से लौकी को कद्दूकस कर लेंगे। अब देखिए, लौकी का पूरा पार्ट हम कद्दूकस नहीं करेंगे, इसके जो बीच का पार्ट होता है वो हम इस तरीके से घुमा कर निकाल देंगे। तो देखिए, मैं सिर्फ ऊपर का ग्रीन वाला जो पार्ट है उसे ही कद्दूकस कर रही हूँ। बीच का पार्ट है उसको मैं इस तरीके से घुमाकर निकाल दूंगी। जो बीज वाला पार्ट है उसे फेंकने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप इसे सब्ज़ी वगैरह बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, मैं इसको रखती हूँ साइड में। अभी देखिए, मैंने यहाँ पर एक लौकी को पूरा कद्दूकस कर लिया और मुझे सिर्फ इतना सा पल्प मिला है, यानी इतना सा ही पार्ट मिला है जो बिना बीज का है। तो मैंने यहाँ पर एक लौकी और ले ली है और इसको भी मैं इस तरीके से घुमा कर कद्दूकस कर लूँगी। यहाँ पर उसका भी बीज का पार्ट मैंने निकाल दिया। तो अब इन टोटल मेरे पास कितनी लौकी तैयार ही हुई है, इसके हिसाब से हम आगे चीनी का रेशियो लेंगे। तो घर की कोई भी कटोरी या कप ले लीजिए आप, और उसमें इस तरीके से भर करके देख लीजिए। ये देखिए, एक कप पूरा अच्छी तरह से दबा करके भर लिया मैंने, तो ये हो गया एक कप। और उसके बाद मैं यहाँ पर दूसरा कप भी भर लेती हूँ। तो लगभग दो कप के करीब जितनी हमारी लौकी कद्दूकस होकर तैयार हो गई है। जो पानी वाला पार्ट था उसे हम अलग रख देंगे कटोरी में, अगर ज़रूरत लगती है तो बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब मैंने यहाँ पर ली है एक कढ़ाई, जिसमें मैंने ऐड किया है एक बड़े चम्मच इतना देसी घी। देसी घी को थोड़ा सा गर्म हो जाने देंगे, गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो रखेंगे। अब लो फ्लेम पर जो हमारी कद्दूकस की हुई लौकी है वो सारी यहाँ पर डाल देंगे। आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी, मैंने यहाँ पर लौकी को निचोड़ करके एकदम पानी बिल्कुल नहीं निकाला है। ऐसा मैंने क्यों किया है, इसका भी रीज़न मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। अभी देखिए, मैंने लौकी को अच्छी तरह से घी के साथ में मिक्स कर लिया है, और मिक्स करने के बाद हम इसे लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। आप चाहें तो इसे खुला ही पका सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे कवर कर देंगे तो इसका कुकिंग प्रोसेस काफ़ी फास्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इस पर एक ढक्कन लगा देती हूँ, ढक्कन लगाकर इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी। अब मैंने जैसे आपको बोला कि मैंने लौकी को अच्छी तरह से नहीं निचोड़ा था, इसका रीज़न क्या है, देखिए लौकी में अच्छा खासा पानी का कंटेंट होता है। अगर आप उसे बिल्कुल अच्छी तरह से निचोड़ देंगे तो उसके कारण क्या होगा कि इसके कारण जो लौकी के अंदर जितनी भी रिचनेस, यानी जितना उसका अच्छा पोर्शन होता है, वो सारा तो निकाल देते हैं हम पहले, उसके बाद जो खोजड़ बचता है उससे हम बर्फ़ी बनाते हैं। तो वो एक हेल्दी बर्फ़ी तो नहीं बनती है ऑब्वियसली, क्योंकि हमने लौकी की जो जितनी भी गुडनेस है उसे रिटेन रखना है उस बर्फ़ी के अंदर। तो मैंने क्या किया, उसके पानी को एक्स्ट्रा नहीं निकाला, सिर्फ उतना ही पानी निकाला जो आपको प्लेट पर दिख रहा था। उसके अलावा मैं इसको इस तरीके से ढक्कन लगाकर बीच बीच में एक बार चलाती रहूँगी, और देखिएगा इसी पानी के साथ में लौकी अच्छी तरह से पक जाएगी। मुझे एक्स्ट्रा कोई इसमें पानी नहीं डालना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा पानी नहीं डालने की वजह से देखिएगा ये लौकी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। इस तरीके से अगर आप बर्फ़ी बनाते हैं तो आपकी बर्फ़ी कभी भी ख़राब नहीं बनेगी, और साथ ही साथ वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी रहेगी। तो मैं यहाँ पर इसको एक एक दो दो मिनट के बाद अच्छी तरह से चला देती हूँ एक दो बार, ताकि ये बिल्कुल नीचे से के सरफेस से लगे नहीं, और उसके बाद इसको चेक कर लेती हूँ कि लौकी पकी हुई है या नहीं। तो लगभग इसे 5 से 7 मिनट मैंने पकाया है लो फ्लेम पर, अच्छा खासा पानी का कंटेंट था जिसके कारण लौकी हमारी फटाफट से पक जाती है। ये देखिए, लौकी हमारी अच्छी तरह से पक गई है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। एक स्ट्रैंड को उठा करके देखेंगे आप हाथ में, तो ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका होगा। ये देखिए,
एकदम सॉफ्ट हो चुका है। इसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी है तो आप उसे हल्का सा गैस के फ्लेम को बढ़ा करके मीडियम कर लीजिए और उसे लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से मतलब ख़त्म कर लीजिए उसके मॉइस्चर को। इतना देर आप उसे हल्का सा चला लेंगे तो बस आपकी लौकी एकदम बढ़िया सी तैयार हो जाएगी। चलिए, मेरी लौकी तो एकदम परफेक्ट तैयार हो चुकी है, उसमें पानी का कंटेंट भी बिल्कुल नहीं रह गया, तो मैं इसे इसी तरीके से बस एक अलग प्लेट पर ट्रांसफ़र कर लूँगी। अब हम तैयार करेंगे इस बर्फ़ी को सेट करने के लिए इसकी चाशनी। अब चाशनी का नाम सुनते ही आधे तो लोग ऐसे ही डर जाते हैं, पता नहीं मुझे तो चाशनी बनानी ही नहीं आती, मेरी बर्फ़ी तो परफेक्ट ख़राब होने वाली है। बिल्कुल भी नहीं। देखिए, जितनी मैंने लौकी ली थी ना, जिस कप से या कटोरी से नाप करके आपने 2 कप जितनी लौकी ली थी उससे जस्ट आधी क्वांटिटी में आप चीनी डालिए उसी कटोरी से पूरा भर करके। तो मैंने यहाँ पर इस कप से लिया था मेजरमेंट, तो 1 कप भर करके यहाँ पर चीनी डाल दी। जितनी चीनी डाली है उसका आधा आपने यहाँ पर पानी डालना है। तो मैंने यहाँ पर कितना पानी डाला है, 1/2 कप जितना पानी डाल दिया मैंने। गैस के फ्लेम को बढ़ा करके एकदम हाई कर दिया। हाई फ्लेम पर हम इस चीनी को अच्छी तरह से पिघलने देंगे। पहले चीनी को पिघलने देंगे, उसके बाद इसके चाशनी के तार को चेक करना भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले देखिए, चीनी पिघलनी शुरू हुई है, गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल हाई रखा है, और हाई फ्लेम पर जब चीनी पिघलना शुरू हो जाएगी तो पहले आपको एकदम लिक्विड जैसा सिरप तैयार होगा, उसके बाद इसकी चाशनी बननी शुरू होती है। तो लगभग 1/2 से 1 मिनट मैंने इसे उबाला और ये देखिए चीनी सारी डिसॉल्व हो चुकी है। एग्जैक्ट टाइमिंग के साथ मत जाइएगा क्योंकि टाइम कभी कभार ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि मैं गैस के फ्लेम को स्विच करती रहती हूँ, कभी ज़्यादा हाई हो जाता है तो थोड़ा सा मीडियम कर देती हूँ, इसीलिए टाइमिंग को आपको नहीं नोट करना है। आपको नोट क्या चीज़ करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अभी एकदम पतली सी है चाशनी, इसको मैं पहले एक बार चेक करके आपको दिखाती हूँ। दोनों फिंगर के बीच में आप थोड़ी सी चाशनी को लेकर देखिएगा, लेकिन जब आप चाशनी को लेते हैं तो पहले हाथ को हल्का सा या फिर किसी प्लेट पर पहले चाशनी को गिरा लीजिए, हल्का सा ठंडा कीजिए। मैं इसे डायरेक्टली इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं इसे करने की थोड़ी यूज्ड टू हूँ इस वजह से। अब देखिए, मैंने इसको फिंगर पर रखा, थोड़ा ठंडा किया, और ठंडा करने के बाद इसको इस तरीके से उठा करके देख रही हूँ, इसमें बहुत ही कमज़ोर सी तार बन रही है, मतलब पूरा ऊपर तक नहीं जा रहा वो स्ट्रैंड। इसका मतलब ये भी चाशनी एकदम कच्ची है। इस चाशनी में अगर आप अपनी लौकी डाल देंगे तो आपकी बर्फ़ी बिल्कुल भी सेट नहीं होने वाली। तो हमें क्या करना है, चाशनी को थोड़ा और पकाना है, तो मैंने चाशनी को थोड़ी देर और पका लिया। अब इस समय मैंने गैस का फ्लेम मीडियम कर दिया क्योंकि चाशनी बहुत ज़्यादा कड़क नहीं हो जाए, वरना फिर बर्फ़ी भी अच्छी नहीं लगेगी खाने में। तो मैं यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर इसको पका रही हूँ। अब देखिए, चाशनी में बढ़िया सा झाग आना शुरू हो गया है, ये इंडिकेशन है कि हमारी चाशनी बहुत ही बढ़िया से पकने लगी है। अब हम फिर से उसी तरीके से तार को चेक करेंगे। चाशनी को एक अलग प्लेट पर हल्का सा ठंडा होने दें, उसके बाद एक ड्रॉप को इस तरीके से हाथों के बीच लेकर देखेंगे। तो ये देखिए, बढ़िया सी एकदम गाढ़ी सी तार बन गई है, यानी पक्की तार बननी शुरू हो चुकी है। ये देखिए, मैं इसको ऊपर तक स्ट्रेच कर रही हूँ तो ये तार टूट नहीं रही है। इसका मतलब है कि आपकी जो चाशनी है वो एकदम बढ़िया कड़क होनी शुरू हो गई है। इसके बाद जब ये चाशनी इस स्टेज पे आ जाएगी, उसके बाद हम इस चाशनी को 1 से 2 मिनट और कुक करेंगे। जी हाँ, जब इस स्टेज पे आ जाएगी, यानी एक पक्की तार बनने लगी है, उसे हमें इसे थोड़ा सा और गाढ़ा करना है, जिससे हमारी बर्फ़ी बहुत ही बढ़िया से सेट होगी। अब मैंने गैस का फ्लेम रखा है मीडियम के बीच में और इस तरीके से चलाते हुए इसको फिर से एक बार कुक कर लूँगी 1/2 मिनट या 1 मिनट तक के लिए, जिससे हमारी चाशनी थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी। और उसके बाद आपको क्या इंडिकेशन मिलेगा, जो कढ़ाई का सरफेस है ना, उस पर आपको चाशनी की एक वाइट सी लेयर जमती शुरू होने लगेगी। बस अगर आपकी वो लेयर जमनी शुरू हो गई है, इसका मतलब आपकी चाशनी एकदम परफेक्ट तैयार है। जब आपकी चाशनी इस तरीके से परफेक्ट हो जाएगी, गैस का फ्लेम लो कर देंगे और लो फ्लेम पर मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ मावा। आज मैं मावे से इस बर्फ़ी को बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर लिया है 100 ग्राम जितना मावा। कप्स में देखेंगे तो 1/2 कप जितना मावा है। जिस कटोरी से आपने लौकी का नाप लिया था, उसी कटोरी से नाप करके आप 1/2 कटोरी जितना यहाँ पर मावा डाल दीजिए। मावा डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से चाशनी के साथ में मिक्स करेंगे। अगर आप मावा नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसमें मिल्क पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। वो आपको कैसे और कब डालना है वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आप मावे से इस बर्फ़ी को बना रहे हैं तो मावा इसी स्टेज पे डाला जाएगा, और मावे को भी हम इस चाशनी के साथ में अच्छी तरह से पका लेंगे। ये देखिए, अब इसमें काफ़ी सारे लम्स हैं, तो इनको हल्का सा लो फ्लेम पर पका लेंगे, जिससे इसके सारी जो गुठलियाँ हैं वो एकदम ख़त्म हो जाएंगी। तो बस इसे लगातार चलाते रहें और ये मावा एकदम सॉफ्ट हो जाएगा कुछ ही टाइम में। ये देखिए, मैंने मावे को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, इसमें कोई भी लम्स नहीं रह गए। इसे लगातार चलाते हुए हम 1/2 मिनट तक और पका लेंगे, और आप देखेंगे मावे में बढ़िया से बबल्स आने शुरू हो जाएंगे। जब इस तरीके से बबल्स आने शुरू हो जाएं, बस इसी टाइम पे हमें अपनी तैयार की हुई जो लौकी है वो यहाँ पर डाल देनी है, और लौकी डालने के बाद इसे फटाफट से मिक्स कर लेना है। गैस का फ्लेम मैंने इस समय पर मीडियम कर दिया है।
अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ा सा इलायची का पाउडर, आधी छोटी चम्मच जितना, जिससे बढ़िया टेस्ट आ जाएगा। इलायची डालना इसमें कम्प्लीटली ऑप्शनल है। साथ में मैं यहाँ पर थोड़ा सा फूड कलर का इस्तेमाल करी हूँ, जिससे बर्फ़ी देखने में अच्छी लगे। अदरवाइज़ ये खाने में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। आप इसमें कलर नहीं डालना चाहते हैं तो इसे कम्प्लीटली स्किप कीजिएगा। अगर आप मावे की जगह मिल्क पाउडर का यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसमें लौकी को डालने के बाद मिल्क पाउडर को डाल करके अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा और उसी तरीके से पकाइएगा जैसे मैं इसको आगे कुक करने वाली हूँ। ये डालने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ऐसा करने से क्या होगा कि जब आप मिल्क पाउडर का यूज़ करेंगे तो उसमें गांठें नहीं पड़ेंगी। अगर आप डायरेक्टली चाशनी में डालते हैं तो उससे गांठें पड़ जाती हैं। अब मैंने इसे थोड़ी देर और कुक किया है जिससे इसका जितना भी एक्सेस मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए, मैंने इसको गैस के फ्लेम को मीडियम करके अच्छी तरह से चलाते हुए पकाया है और ये एकदम डो की तरह सिमट करके आ जाएगा। अब देखिए, इसमें जो भी एक्सेस मॉइस्चर था वो एकदम ख़त्म हो चुका है और जो थोड़ा बहुत आपको दिख रहा है ये मावे हमने डाला है। मावे का जो घी होता है वो थोड़ा सा इस तरीके से दिखता है। तो बस अब ये बिल्कुल तैयार है। इसे हम फटाफट से अपनी तैयार की हुई ट्रे में इसे स्प्रेड कर लेंगे। गैस के फ्लेम को बंद करते हैं और फटाफट से इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो आप इसे किसी भी थाली या फिर टिन में सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको इस ट्रे में इस तरीके से डाल करके स्प्रेड कर लूँगी अच्छी तरह से। जितनी भी मोटी पतली आपको रखनी हो उस तरीके से आप रख सकते हैं और इस तरीके से स्पैचुला से थोड़ा सा इवन कर लेंगे ताकि बढ़िया से पीसेस कट हों। और उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा चांदी का वर्क लगा रही हूँ। ये लगाना भी कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अगर आप नहीं पसंद करते हैं या व्रत में नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा। ये सिर्फ मैं डेकोरेशन पर्पज़ के लिए कर रही हूँ। अब इस बर्फ़ी को सेट होने के लिए हम छोड़ देंगे। आप चाहें तो इसे बाहर भी छोड़ सकते हैं 2 से 3 घंटे के लिए, उसमें आसानी से सेट हो जाती है। या फिर चाहें तो आप 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए, जिससे काफ़ी जल्दी से जम जाती है। तो बस अब मैं इसे सेट होने के लिए छोड़ देती हूँ। मैं इसको फ्रिज में रखूँगी लगभग 2 घंटे के लिए ताकि ये बढ़िया से सेट हो जाए। उसके बाद मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, बर्फ़ी को मैंने फ्रिज से निकाल लिया है। ये अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। अब हम इसके पीसेस को कट करेंगे और इसको सर्व करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा शानदार बनती है। तो आप भी एक बार मेरे तरीके से बताई हुई रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे तो आपकी रेसिपी कभी भी ख़राब नहीं बनेगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये नवरात्रि व्रत स्पेशल रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी मिलती हूँ आपसे एक और नई फेस्टिवल स्पेशल रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।